नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सरदूत लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में, वसई रेलवे स्टेशन से बाबड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर, पार्वती क्रॉस के करीब। अब यहाँ देख सकते हैं कि हाल ही में ये रोड का काम शुरू हुआ है। यहाँ आपको रोड रोलर भी पड़ा हुआ दिखाई देगा। और ये रोड का जो काम शुरू हुआ है, ये थर्ड लाइन रोड के दोनों तरफ, उस तरफ भी और इस तरफ भी, वाबड़ा जाने वाले रास्ते पर भी और स्टेशन जाने वाले रास्ते पर भी, दोनों ही तरफ थर्ड लाइन का निर्माण करवाया गया है। देखने में, सोचने में ये काफी अच्छा लगता है कि महानगर पालिका यहाँ अच्छे से रोड बना रही है। लेकिन इस रोड को बनाने के पीछे वसई विरार महानगर पालिका की कुछ अलग प्लानिंग है, और वही मैं आपको बताने आया हूँ। दरअसल वसई विरार महानगर पालिका में फोर व्हीलर या टू व्हीलर की पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को हमेशा अपने व्हीकल्स पार्क करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे लोग अपने व्हीकल यहाँ वहाँ पार्क करके जाते हैं, और इस पूरे एरिया पर भी लोग अपने व्हीकल पार्क करते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखकर वसई विरार महानगर पालिका ने पैसे कमाने का एक नया सोर्स खड़ा करने की ये पूरी प्लानिंग की है। वसई विरार महानगर पालिका इस रोड को बनवा रही है। आने वाले समय में इस रोड को अच्छे से संवारा जाएगा, और यहाँ पे पार्किंग के लिए अलग 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 मार्किंग की जाएगी, ऐसी जानकारी मेरे सूत्रों से मुझे मिली है। उसके बाद बकायदा पॉलिसी डिसाइड की जाकर, उस पॉलिसी के आधार पर यहाँ पार्किंग का पैसा वसूल किया जाएगा। अब सवाल यह है कि वसई विरार महानगर पालिका को हर कोई वसई वासी जब टैक्स का पैसा अदा कर रहा है पहले से ही, तो फिर से पार्किंग का पैसा क्यों दे? वसई विरार महानगर पालिका ये पार्किंग का पैसा जनरेट करने के लिए ये प्लानिंग कर रही है, लेकिन क्या वसई विरार महानगर पालिका ने कहीं पर पहले से पार्किंग लोगों को दी है क्या? नहीं। अब सवाल यह आता है कि पार्किंग कुछ लोग जो हमेशा मुंबई आना जाना, जिनका मुंबई आना जाना रहता है, वो लोग अपने व्हीकल यहाँ खड़े करते हैं और मुंबई चले जाते हैं, शाम को आते हैं, और उनका हमेशा रहता है। तो ऐसे लोग जिनका हमेशा का है, उनसे अगर पार्किंग का पैसा वसूल किया जाए तो फिर भी समझ में आता है, तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो थोड़े समय के लिए आते हैं, अभी कोई बाबड़ा से यहाँ आया कुछ खरीदारी करने के लिए, या जो दुकानदार यहाँ पर है वो दुकान आने के लिए, शॉप पे आने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए अपने व्हीकल लेके आते हैं, वो क्यों पार्किंग चार्ज का पैसा बेयर करे? ये सवाल बड़ा है। दूसरी बात, वसई विरार महानगर पालिका की पार्किंग की पॉलिसी डिसाइड होगी तब होगी, लेकिन आज हम इन सब चीजों को आपके सामने इसके लिए रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक और नई वसूली का जरिया वसई विरार महानगर पालिका बना रही है। ये रोड है, अभी ट्रायल बेस पर इस रोड को लिया जाएगा, उसके बाद में अगर वसई विरार महानगर ये यहाँ पर अगर सक्सेस होता है, तो वसई विरार महानगर पालिका पूरे महानगर पालिका क्षेत्र में इसी तरह पार्किंग का पैसा वसूल करेगी। अब फिर से सवाल वही है जो मैंने अभी सवाल उठाया, कि सैकड़ों लोग आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्शा काफी महंगा है, लोग बाइक से अपने घर से यहाँ पर अगर आते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, और उनको यहाँ बाइक पार्क करने के लिए पैसा भरना पड़ता है, तो क्या उनके जेब पर, आम आदमी के जेब पर ये एक एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा? आम आदमी इस खर्च को क्यों उठाए, जब इतना पैसा वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में आम आदमी टैक्स का पहले से भर रहा है, उसके बाद में एक और यह नई चीज क्यों ला दी जा रही है? आप सभी जानते हैं वसई विरार महानगर पालिका में शिक्षा कर के नाम पर पैसा वसूला जाता है, लेकिन एक भी स्कूल वसई विरार महानगर पालिका में नहीं है, फिर भी जनता वो पैसा देते आ रही है। उसी तरह से ये नया फंडा महानगर पालिका ने शुरू करने की, महानगर पालिका की कवायद शुरू है। एक आम आदमी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, अगर आम आदमी की मैं बात रखूं, तो यहाँ हर रोज जो आम आदमी के जेब पर अधिभार पड़ेगा, वो आएगा कहां से? आज जब इनकम लोगों की कम हो रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक और एक खर्चा क्यों कोई करे? वसई विरार महानगर पालिका क्या सोचकर इस तरह के प्लान जो है वो इंप्लीमेंट कर रही है? एक तरफ बड़े बड़े लोगों को वसई विरार महानगर पालिका फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए का
उलटफेर करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी से इस तरह से छोटी छोटी करके पैसा वसूला जाता है। एक मान लीजिए आप यहाँ आए, आपने एक घंटे का पार्किंग का कुछ भी पैसा है, 10 रुपया 20 रुपया जो भी तय किया जाएगा, जो भी मान लीजिए आपने एक जगह पार्किंग गाड़ी खड़ी की, वहां पे आपने पैसा चुकाया और आपका वहां पे काम हो गया। उसके बाद में अगर आपको दूसरी जगह जाना है जो कि कम से कम 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा है, और वहां जाने के बाद आप फिर दोबारा पार्क करेंगे, वहां फिर आप दोबारा पैसा भरेंगे, तो क्या सारा दिन यही चलता रहेगा? तो मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि वसई विरार महानगर पालिका ये जो अधिकार लाने की कोशिश कर रही है ये सरासर गलत है, और महानगर पालिका वासियों के लिए, ये भविष्य के लिए महानगर पालिका वासियों के लिए एक बेहद खराब, बेहद नुकसानदायक ये एक नया प्रोविजन महानगर पालिका करने वाली है। मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में दे, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये आयुक्त तक पहुंचे, और कम से कम अपना विरोध दर्शाइए, कमेंट में अपना विरोध दर्शाइए कि हमें ये व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें ये व्यवस्था नहीं चाहिए, आम आदमी पैसा नहीं भरेगा। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर